बोली सच्ची दरबार की बालाजी महाराज की तो सीता माता को रावण जी अशोक वाटिका में लेकर के चले गए थे तो उस समय का भजन बहुत ही प्यारा भजन है श्री राम की आज्ञा पाकर के हनुमान जी सीता माता के पास जाते हैं तो श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाल करके हनुमान जी को दे दी कि ले हनुमान ये मेरी निशानी और सीता माता को दे देना तो सज्जनों एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं उस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी है और हनुमान जी वो अंगूठी निकाल करके सीता माता के घुटनों में डाल देते हैं तो सीता माता कहती है कि हे श्री राम के संदेश लाने वाले एक बार मेरे सामने आओ तो हनुमान जी छलांग लगा करके सीता माता के सामने आ जाते हैं सीता माता को प्रणाम करते हैं तो उस समय का भजन बहुत ही प्यारा भजन तो कैसे क्या बताया आइए एक भजन के द्वारा रे अंजना के हनुमान तेरी तेरा के दिसियाना रे तो उठाइए दोनों सीधे सीधे हाथ बहुत ही प्यारा भजन जरा ध्यान से सुनिएगा और तालियों के साथ मेरे साथ सभी ने बोलना है I'm
दूसरों की तरफ ध्यान देता है, दूसरों की बुराइयों की तरफ ध्यान देता है, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं जानता। तो कैसी क्या बताया, तू अपने भीतर तो उठाइए दोनों सीधे सीधे हाथ।
Yeah.
श्री सतगुरु महाराज मुरारी लाल जी कहते हैं अगर सच्चे दिल से भजन करोगे ना तो जो भी आपकी मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। सतगुरु महाराज यहां से चले गए हैं, स्वर्ग द्वार में चले गए हैं, लेकिन भक्तों ऐसा कर्म किया उन्होंने, आज भी उनकी जो जगह जाती है आज भी उनका नाम है, ऐसा ही हो रहा है कि वो जिंदा है अभी, ऐसा भजन किया। तो कैसे सतगुरु महाराज भक्तों को भी ऐसे कहा करते कि ऐसा करो कि तुम्हें संसार याद रखे, तो कैसे क्या बताया। सहेली थी वो दर्शन करके वापिस भी आई और जो भी उन्हें प्रार्थना की समय से पहले हर चीज उनको दी। तो इस प्रकार से कैसे वो बेटी बाबा की दीवानी कैसे अपनी माँ से प्रार्थना करती है, तो आइए कैसे क्या कहती है। मनरी मेरा श्याम बुलावे से
कहीं मैं बेरा के कहा है तू कहे पिया जो तू कहे वह चीज मैं मानू पर यह बात मेरी माननी पड़ेगी कैसे गुरु गोरखनाथ की जय जय। देखिए गुरु गोरखनाथ जी होगा एक भी भजन नहीं हुआ एक हाजरी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में यदि सच्चे दरबार की नाथ का चमटा बाजरी सुने बात चले थारे बाग में Thank you.
कोई साधु कोई महात्मा कुछ मांगने के लिए आता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए, उसकी झोले में आता दान कुछ देना चाहिए। न जाने किस रूप में भगवान उतर कर आ गया हो आपकी परीक्षा लेने के लिए, तो किस प्रकार से एक वचन के माध्यम से एक योगी अलख जगावे भाई भिक्षा Thank you.
बिल्कुल मैंने मानी होए एक बार सभी बारी बारी आकर के माथा टेके बारी बारी आकर के सभी भगत माँ माई के चरणों में माथा टेके बारी बारी आकर के दर्शन करो। माँ माई सब बड़े काम पूरे करेगी। बारी बारी आकर के सब माथा टेके माँ के चरणों में। जयकार मां पाथरी वाली का बोल सच्चे दरबार की। सभी भगत लेके करके की मां माई के चरणों में माथा टेके माई री मोड़ मां मन ना ठोकरा